गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम संगीता गुप्ता मैम टुडे आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर टुडेज टॉपिक इज नेमिंग बर्ड्स फर्स्ट लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ नेमिंग बर्ड्स नेमिंग बर्ड्स क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बताती हूँ नेमिंग बर्ड क्या होते हैं द नेम्स ऑफ पर्सनस प्लेसेज एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग बर्ड्स परसनस नेम प्लेस नेम एनिमल्स नेम एंड थिंग नेम इन सभी नेम को नेम्स को नैमिंग वर्ड बोलते हैं और इन्हें नाउन भी बोला जाता है लुक एट लुक एट द पिक्चर एंड राइट इस पिक्चर को देखना है स्टूडेंट्स और सभी को यहाँ पर नीचे इस पिक्चर को देख के और यहाँ पर जो फिलअप दिए हुए हैं इनको फिल करना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन ईज़ा डे हॉर्स राइडर ए फार्मर जॉन क्या है जॉन फार्मर है तो यहाँ पे टू ऑप्शन में से हमने बल फिल किया फार्मर, ही इज़ स्टैंडिंग इन हिज फॉर्म वह अपने फॉर्म में अपने खेत में खड़ा है फॉर्म भरना फिल करना है यहाँ पे स्टेबल में नहीं खड़ा है फॉर्म में खड़ा है ही इज़ बियरिंग बूट्स उसने बूट पहने हैं पहन रखे हैं ही स्टोरस ग्रैंस इन द शेड उसने जो अनाज था उसको स्टोर करके अपने शेड में रख रखा है अपने झोपड़े में रखा हुआ है या फिर गैरेज जो भी उसके पास होगा उसमें रख रखा है ही हैज़ काउज एंड है इन फॉर्म उसने उसके पास उसके फार्म में काउज़ गाय और मुर्गियाँ हैं तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ देखा टू टू ऑप्शन में से यहाँ पे वन फिल करना है जो मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं जिस पे टिक लगा हुआ है वही यहाँ पे फिल करना है आपको अच्छे से देख के राइट करना है अब ने नेक्स्ट देख लेते हैं फार्म इस्तेवाल आर नेम्स ऑफ प्लेसेस जो यहाँ पे फार्म और इस्तेवाल आया हुआ है वो प्लेसेस नेम है काउज एंड गोट्स आर नेम्स ऑफ एनिमल काउज और, 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 और गोट जो आया है वर्ड वह एनिमल्स नेम है और हॉर्स राइडर और फार्मर आर नेम्स ऑफ पर्सन जो हॉर्स राइडर आया हुआ है और फार्मर आया हुआ है वह पर्सन नेम है शूज बूट्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स जो शूज और बूट्स आए हुए हैं वह थिंग्स नेम है डक्स हैंस आर नेम्स ऑफ एनिमल्स और यहाँ पे जो डक्स और हैंस आया हुआ है वह एनिमल्स नेम है तो स्टूडेंट्स देखा आपने प्लेस नेम पर्सन नेम एंड नेम एनिमल्स और थिंग्स इन सभी नामों को हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं आपको अच्छे से इस पिक्चर में पहले देखना है पिक्चर को अच्छे से देखना है फिर उसके बाद यहाँ पे जो फिलअप दिए हुए हैं उनको राइट करना है ओके okay, स्टूडेंट्स थैंक यू